दोस्तों, इन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालें अभी हम सीखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल, आपको आसान सा स्टेप करना है। यहाँ पर अभी हम अपना डिवीजन मेथड काम में लेने वाले हैं। अपने को प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक के ये प्राइम नंबर है। अब देखिए, हम सर्वप्रथम अपना 2 का डिवाइड इनमें करेंगे, यानी करना क्या है, ऐसे लिखना है, उसके बाद अपना प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना है। ओके, देखिए 2 का हम डिवाइड किए हैं, 12 में कितना, 6 बार डिवाइड हो गया, 5 में आपका 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर नहीं होने का मतलब क्या है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको जैसा है वैसे हम आगे लिख देते हैं। फिर हमने 2 का डिवाइड किया, 6 में कितना, 3 मिल गया, और यहाँ पर आपका 5 में फिर नहीं हो रहा है, इसको आगे लिख दिया। अब देखिए, आपके पास यहाँ 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो आपका एलसीएम क्या बन गया, इनका मल्टीप्लाई। आगे जैसे आप यदि डिवाइड करना चाहेंगे तो 3 का डिवाइड होगा, एक बार 5 आ जाएगा, फिर 5 का होगा, यानी वही आएगा आगे जो फैक्टर आएंगे 3 और 5। इसीलिए आप ऐसे डायरेक्ट भी अपना एलसीएम लिख सकते हैं, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका, 60 निकल कर आया है। ओके, ऐसे बहुत आसानी से अपना एलसीएम फाइंड कर लिए हैं। धन्यवाद।